हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्विन प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक आपके ट्विन्स बेबी कितने डेवलप हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ट्विन प्रेगनेंसी के 8 मंथ का मतलब होता है कि लगभग आपके 32 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं। इस मंथ तक आते आते आपके दोनों ट्विन्स बेबी के हाथों और पैरों की उंगलियों में नाखून आ जाते हैं और कुछ ट्विन्स बेबी के सर पर पूरी तरह से बाल भी आ जाते हैं। और जैसे जैसे आपके ट्विन्स बेबी आगे बढ़ेंगे तो उनके हाथों में और उनके पैरों एंड उनकी बॉडी पर फैट जो है जमा होना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी भरना शुरू कर देती है। और कुछ ट्विन प्रेगनेंसी में तो कुछ वीक्स के बाद ही ट्विन्स बेबी जन्म भी ले लेते हैं। और ट्विन प्रेगनेंसी के 8 मंथ तक आपके दोनों बेबी का वजन लगभग 1.7 केजी के आसपास हो जाता है और उनकी जो लंबाई होती है सिर से एड़ी तक लेकर लगभग 42 सेंटीमीटर यानी कि 16.5 इंच के आसपास हो जाती है। ट्विन्स बेबी के जो सिर होते हैं वो अब उनके शरीर के अनुपात में अधिक हैं। और अगर अब आप अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो आप अपने दोनों बेबी को बिल्कुल नवजात शिशु की तरह देख पाएंगी और ये जो टाइम होता है वो आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर सकता है। और आपके ट्विन्स बेबी अभी भी लगभग 600 ग्राम तक और बढ़ेंगे और अब जो आपके ट्विन्स बेबी की जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही ज्यादा लिमिट में होगी, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ट्विन्स बेबी के पास मूवमेंट करने के लिए जगह बहुत ज्यादा कम पड़ने लगती है। और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी आप अपने ट्विन्स बेबी को छटपटाता हुआ महसूस कर पाएंगी और ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आपके बेबी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अगर इस टाइम आपको कभी भी लगता है कि ट्विन्स बेबी ने काफी देर से मूवमेंट नहीं की है तो आप एक टिप फॉलो कर सकती हैं। आप जो है कुछ ठंडा पी लीजिए एंड उसके बाद में लेट जाइए और ऐसा करने पर आपको ट्विन्स बेबी के मूवमेंट फील होने पर मदद मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा करने पर भी आपको नहीं मिलती है तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। और इस समय तक आपके ट्विन्स बेबी जो है वो REM नींद का अनुभव करते हैं, मतलब कि इस समय तक आपको सपने आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि आपके ट्विन्स बेबी भी सपने देख रहे होंगे। अब आपको अपने ट्विन्स बेबी से बात करना भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय तक आपके ट्विन्स बेबी की जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान उनसे बातें करती हैं तो डिलीवरी होने के बाद ट्विन्स बेबी को आपकी आवाज पहचानने में काफी मदद मिलती है। और ये वो टाइम होता है जिस समय सिर्फ आप ही अपनी डिलीवरी की तैयारी नहीं करते हैं बल्कि आपके साथ साथ आपके ट्विन्स बेबी भी डिलीवरी के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और इस समय तक आपके ट्विन्स बेबी जो है अपने सर को नीचे की ओर करना शुरू कर देते हैं, तो इस टाइम पर आपको और आपके डॉक्टर को भी पूरी तरह से निगरानी रखनी चाहिए, स्पेशली ट्विन्स बेबी की पोजिशन पर, क्योंकि अभी भी आपके ट्विन्स बेबी वापस भी घूम सकते हैं। ट्विन्स प्रेगनेंसी में कुछ बच्चे जो है ब्रीच पोजीशन में ही जन्म लेते हैं, मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बढ़ते टाइम पर दोनों बच्चे अपना सर नीचे नहीं करते हैं बल्कि ऊपर ही रखते हैं, तो इस पोजीशन में जो डिलीवरी होती है वो ट्विन्स बेबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। और 32 वीक्स तक अगर आपके दोनों बेबी ब्रीच पोजीशन में रहते हैं तो उनकी पोजीशन को अभी भी ब्रीच नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी भी उनके पास थोड़ी बहुत जगह होती है तो वो बिल्कुल दोबारा से घूम सकते हैं और अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके ट्विन्स बेबी 35 या फिर 36 वीक्स तक भी अपनी पोजीशन को सही नहीं करते हैं तो फिर आपके डॉक्टर को ऐसे में सी सेक्शन के बारे में डिस्कस करना पड़ता है। क्योंकि आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब तक आपके ट्विन्स बेबी का जो डिलीवरी का टाइम नहीं आता है तब तक तो जो ब्रीच पोजीशन होती है वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती है, लेकिन डिलीवरी का टाइम नजदीक आने पर भी अगर आपके दोनों बच्चे ब्रीच पोजीशन में हैं तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ब्रीच पोजीशन होने पर भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करती हैं तो ऐसे में आपके जब ट्विन्स बेबी जो है बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकलते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ केस में ट्विन्स बेबी की गर्भनाल अगर बाहर आ जाती है तो ऐसे में जो उनको गर्भनाल के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है वो भी मिलना बंद हो जाती है, तो फिर ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। इसीलिए जब भी आपके डॉक्टर
ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट टाइम पे ब्रीच पोजीशन देखते हैं तो आपको कभी भी नॉर्मल डिलीवरी की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह की रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको सी सेक्शन के लिए बोला जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।